हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित पे। सो दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक्सचेंजर के स्लाइडिंग और फिक्स सैडल के बारे में। स्लाइडिंग सैडल क्या होता है और फिक्स सैडल क्या होता है, और स्लाइडिंग एक्सचेंजर में स्लाइडिंग सैडल क्यों होना जरूरी है, ये सब हम आज बात करेंगे वीडियो के साथ। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और दिखाऊंगा स्लाइडिंग साइड क्या होता है, फिक्स साइड क्या होता है। ओके, सो इस बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और कंटिन्यू वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आएगा स्लाइडिंग साइड क्या होता है और फिक्स साइड क्या होता है। सो दोस्तों, ये हमारा एक्सचेंजर है। ओके, ये स्लाइडिंग साइड है, ठीक है। ये स्लाइडिंग प्लेट है जो हम इसके नीचे टेफ्लोन आता है, फिर एसएस का प्लेट आता है, ठीक है। इंस्टॉल करने के पहले एसएस का प्लेट जो है ये वेल्ड कर दिया जाता है शेडल के साथ। ये एक्सचेंजर का लेग है, उसके साथ वेल्ड कर दिया जाता है। इसके नीचे टेफ्लोन टेप लगाया जाता है, और ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट ऑलवेज 2 mm गैप रहता है, इसको लॉक टाइट करते हैं, नट टू नट लॉक टाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ऑलवेज गैप रहता है। गैप क्यों रहता है? क्योंकि ये स्लाइड होता है प्रोसेस के टाइम पे, ये स्लाइड होता है। और वो जो है वो फिक्स साइड, वो जो है वो फिक्स है, वो ऑलवेज फिक्स रहता है। ये स्लाइडिंग साइड है, ओके, ऑलवेज स्लाइड होता है। तो ये ग्राउट हो गया है, लेकिन इसका बोल्ट टाइटनिंग अभी बाकी है। देखिए, ये ऑलवेज स्लाइडिंग के लिए ये 2 mm इसको हम फ्री रखते हैं, और बोल्ट टू बोल्ट इसको टाइट कर देते हैं 2 mm छोड़ के नीचे से। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेंशन होता है प्रोसेस के टाइम, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन की वजह से इसको हम ऑलवेज स्लाइडिंग के लिए 2 mm गैप करके बोल्ट लॉक कर देते हैं। अगर स्लाइडिंग नहीं होगा दोस्तों, अगर आप इसको फिक्स टाइट कर देंगे, तो बाद में जब प्रोसेस के टाइम एक्सपेंशन होगा तो ये डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, इसमें डैमेज हो जाएगा, ठीक। ये है ग्राउंडिंग, अर्थिंग। अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये ग्राउंडिंग केबल लगाया गया है। ओके, यही है, ये एक्सचेंजर का डिटेल है। तो एक्सचेंजर हमारा ऑलवेज स्लाइडिंग एक साइड, एक साइड फिक्स होता है, ठीक। ओके, तो यही है सिस्टम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट्स है, ये देखिए, ये फिक्स साइड है, ये एक्सचेंजर का फिक्स साइड है। इधर फुल बोल्ट हम टाइट कर देंगे, ये ओपन करेंगे और पहले इसको टाइट करेंगे, फिर बाद में ये टाइट करेंगे, ठीक है। तो ये है फिक्स साइड। ओके, तो इंस्टॉल करने से पहले हम जो शेडल प्लेट है उसके साथ हम स्लाइडिंग प्लेट भी यूज़ करते हैं। ओके, तो यही है, ये देखिए, दोनों साइड से बोल्ट है, ठीक है। और ये स्लाइडिंग नोच है, ये स्लाइडिंग नोच है, इसको स्लाइडिंग नोच बोलते हैं। जो ये होल दिख रहा है आपको, ये नोच है, यहाँ से यहाँ तक लॉन्गिट्यूडिनल नोच है दोनों साइड स्लाइडिंग के लिए। ये आगे पीछे मूविंग होता है, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंस है इसका, इसके लिए हम इसको स्लाइडिंग साइड बोलते हैं और एक तरफ फिक्स साइड बोलते हैं। देखिए, ये स्लाइडिंग हो गया, उधर फिक्स हो गया एज पर ड्राइंग, ठीक, एक्सचेंजर का, ठीक है। यही है सिस्टम, और ये फाउंडेशन है, ठीक। ये नॉन श्रिंक ग्राउट है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद ये ग्राउट किया जाता है, नॉन श्रिंक ग्राउटिंग। ओके, जब ये प्रोसेस होगा दोस्तों, तो ये ऑलवेज मूव होता रहेगा, आगे पीछे मूव होता रहेगा, ठीक है, प्रोसेस के टाइम पे।
तो उस पर्पज से हम ये स्लाइडिंग एक तरफ देते हैं और दूसरी तरफ फिक्स कर देते हैं, ठीक। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लाइडिंग प्लेट। ओके, ये जितना बोल्ट आपको दिख रहा है ये सबका 2 mm गैप रहेगा नीचे से, मीन्स बेस प्लेट से। ओके, 2 mm गैप करके इसको दोनों बोल्ट को आपस में लॉक टाइट कर देंगे। ओके, अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि टेफ्लोन क्यों लगाया जाता है 2 SS प्लेट के बीच में, क्योंकि मेटल टू मेटल जो घर्षण होता है ना उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, टेफ्लोन का यूज़ करते हैं हम सेंटर में। टेफ्लोन रहेगा तो आपका जो मेटल टू मेटल टच नहीं होगा और डैमेज जल्दी नहीं होगा, इसके लिए हम टेफ्लोन का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में टेफ्लोन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, एंड टू एंड दोनों मतलब किनारा से एक दूसरे किनारा तक जाके मिलता है, इसे हम टेफ्लोन कहते हैं। और दोस्तों इसके बीच में हम SS क्यों लगाते हैं टेफ्लोन के ऊपर और नीचे, क्योंकि ये जो कार्बन स्टील है वो जल्दी करोजेट हो जाता है और स्टेनलेस स्टील लॉन्ग टर्म करोजन नहीं होता, इसलिए। ये प्रिजर्वेशन गेज है, एक्सचेंजर में प्रिजर्व जो हम नाइट्रोजन डाल के रखते हैं उसको देखने के लिए गेज लगाया जाता है। ओके, ऑलवेज हम एक्सचेंजर को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो यही है हम प्रिजर्वेशन क्यों डालते हैं दोस्तों, क्योंकि इनसाइड में हमारा कंपोनेंट्स है, एक्सचेंजर के अंदर हमारा ट्यूब्स है, SS ट्यूब होता है, वो SS ट्यूब डैमेज ना हो इसके लिए हम प्रिजर्व करके ऑलवेज रखते हैं। और इसका ड्यूरेशन होता है, जैसे एज पर वेंडर डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन हमें कब कब चेक करना है, क्योंकि ये अधिक दिन अगर आप नाइट्रोजन छोड़ के रखेंगे तो ये धीरे धीरे रिलीज होते रहता है, इसलिए हम मंथली वाइज इसको चेक करते रहते हैं। दोस्तों आप मेरा ये पूरा वीडियो देखे होंगे और आपको अच्छा से समझ में भी आया होगा, ठीक है, कि स्लाइडिंग साइड क्यों होना जरूरी है और फिक्स साइड क्या होता है, स्लाइडिंग साइड क्या, एक्सचेंजर का स्लाइडिंग साइड क्या होता है और फिक्स साइड क्या होता है, इस बारे में आपको अच्छा मालूम पड़ा होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों स्किड ग्राउटिंग, जैसे पंप का फाउंडेशन है उसके ऊपर आप पंप इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, उसके बाद हम जब एपॉक्सी ग्राउट होता है और एक नॉन श्रिंक ग्राउट होता है, ठीक है, तो एपॉक्सी ग्राउट के बारे में हम बात करेंगे कि एपॉक्सी ग्राउट कैसे करते हैं और क्या होता है, पूरा हम डिटेल में आपको बताऊंगा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।